हेलो गाइस, मैं हूं डैनी। और गाइस, आप वॉइस चेंजिंग गैस के बारे में जानते हैं क्या? आपको पता है वॉइस चेंजिंग गैस क्या होती है? तो गाइस, पहले तो अगर आपको पता है ना, तो जल्दी से पहले तो कमेंट कर दो यस हमको पता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो भी कमेंट कर देना कि भाई ये वीडियो देखने के बाद हमें पता चल गया वॉइस चेंजिंग गैस के बारे में। क्योंकि गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वॉइस चेंजिंग गैस क्या होती है, कैसे वो हमारे वॉइस को चेंज कर देती है, और आज हम लोग उसको ट्राई भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस देखने के लिए। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हम तो सभी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप ऐसा कुछ भी घर पे या कहीं और करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो गाइस, ये देख सकते हैं, ये है एक बलून। तो इसके अंदर फिलहाल मैंने एक नॉर्मल गैस फिलअप की है, ठीक है। तो देखो, पहले मैं इसको इनहेल करूंगा, ठीक है। हेलो गाइस, मैं हूं डैनी। और गाइस, आपको कुछ पता चल रहा है मेरे वॉइस के अंदर? तो गाइस, आपको मतलब ये आपने देखा, मैंने नॉर्मल गैस को इनहेल किया और इसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं था, मेरी वॉइस ऐसी की ऐसी रही, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल गैस थी। गाइस, मैं आपको आज ऐसी दो गैस के बारे में बताऊंगा जो कि अपने वॉइस को चेंज कर देंगी। तो गाइस, चलो पहली गैस के बारे में बताता हूँ। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये एक बलून है जिसके अंदर मैंने फिलहाल एयर है। लेकिन गाइस, इसके अंदर अभी फिलहाल एयर नहीं है, इसके अंदर एक गैस है जिसका नाम है हीलियम। गाइस, आपको एक मैं बात बता दूँ कि जो हीलियम गैस होती है ना, वो नॉर्मल हवा से 6 गुना हल्की होती है। तो देखो, ये हमारे कैसे वॉइस को चेंज कर पाती है, देखना देखना गाइस, ये मेरे आवाज को कैसे चेंज करेगी। हेलो गाइस, मैं हूं डैनी। और गाइस, आप देख रहे हैं क्रेजी एक्सपेरिमेंट के। तो गाइस, आप देख सकते हैं, मैं तो एक बच्चा बन गया हूँ, ठीक है। मेरी आवाज बिल्कुल एक बच्चे जैसी है। तो गाइस, आपने देखा कि कैसे मेरा जो वॉइस है ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। गाइस, ये है हीलियम गैस का नतीजा। यानी कि मतलब हीलियम गैस हमारी वॉइस को चेंज कर देती है, क्योंकि हीलियम गैस नॉर्मल हवा से 6 गुना हल्की होती है, इसलिए ये अपने जो वॉइस होता है उसको बहुत हल्का कर देता है, ठीक है। तो देखा आपने, मैं तो मेरी एक बच्चे जैसी आवाज़ बन गई थी। तो चलो गाइस, ये थी हमारी पहली गैस हीलियम। अभी मैं बताऊंगा कि जो दूसरी गैस है वो कौन सी है। तो गाइस, पहले तो आप मेरी आवाज़ सुन लो, ठीक है, कि मैं अभी फिलहाल नॉर्मल हवा में हूँ और मेरी आवाज़ भी एक नॉर्मल ही है, ठीक है अभी। और ये रही हमारी दूसरी गैस जो कि इस बलून के अंदर है, ठीक है फिलहाल। तो मैं पहले इसको इनहेल करूँगा, बाद में इसका फंडा आपको समझाऊंगा। चलो पहले जल्दी से इसको इनहेल करता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है क्रेजी एक्सपेरिमेंट किंग, और अब मेरा दूसरा चैनल है डैनी दुआ ब्लॉग्स। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और भाई, मेरी आवाज़ है वो तो मॉन्स्टर जैसी हो गई है। तो गाइज, आपने देखा कि मेरी आवाज़ जो है वो कितनी ही चेंज हो गई थी, ठीक है। तो गाइज, ये है दूसरी गैस जिसका नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। तो ये जो गैस है ना, वो नॉर्मल गैस से 6 गुना भारी होती है, इसलिए मेरा आपने आवाज़ सुना इतनी ही भारी आवाज़ थी, यानी एक मॉन्स्टर जैसी आवाज़ थी। तो देखा आपने कैसे हमारा हीलियम गैस को यूज़ किया तो कैसा हमारा वॉइस हो गया था, और कैसे हमने सल्फर हेक्साफ्लोराइड को यूज़ किया तो कैसा हो गया।
तो गाइस अगर इस वीडियो में आपको मजा आया हो तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।